हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल मेरी लाइफ। मैं हूँ एस के मासूद और आज बताने वाला हूँ बुनेस 0.5 रेस्पुल्स के बारे में, जो कि अस्थमा और जिन कंडीशनों में सांस लेने में दिक्कत होती है उन कंडीशनों में इसको यूज़ किया जाते है, और किन किन कंडीशनों में इस रेस्पुल्स को यूज़ किया जाते है आगे बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखोगे तो तब भी फुल अप इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और 0.5 रेस्पुल्स को यूज़ कैसे करें, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका बेनिफिट इंग्रेडिएंट्स क्या है, किन किन कंडीशनों में इस रेस्पुल्स को यूज़ किया जाते है आगे बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप इस चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुनेस 0.5 रेस्पुल्स को मैकलॉयड कंपनी ने मैन्युफैक्चर करती है। 1 स्टीम में 5 रेस्पुल्स आती है, एक एक रेस्पुल्स 2 ml में आती है। इसका जो इंग्रेडिएंट्स है बुडोसोनाइट रेस्पुल 0.5 mg में, और इसका जो MRP है 131 5 रेस्पुल्स के MRP है। किसी भी मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से मिल जाएगी या आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकती हो। आप जानते हैं किन किन कंडीशनों में डॉक्टर द्वारा इस रेस्पुल्स को यूज़ किया जाता है। मेनली अस्थमा में इसको यूज़ किया जाता है। अस्थमा में बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, सीने में कब जम जाने की वजह से बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, उन कंडीशनों में इस रेस्पुल को यूज़ किया जाता है। सीने में बहुत ज़्यादा कब जम जाने की वजह से जो सांस लेने में दिक्कत होती है वो इन कंडीशनों में इसको यूज़ किया जाता है। और यूज़ करने के साथ ही साथ 2 या 5 मिनट के अंदर ही इस रेस्पुल असर दिखाने शुरू करती है। सीने में बलगम हो, जुकाम हो तो बहुत ज़्यादा छींक होती है, बहुत ज़्यादा खांसी होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, उन कंडीशनों में इस रेस्पुल्स को यूज़ किया जाता है। या एलर्जी रिएक्शनों में बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, या बहुत ज़्यादा खांसी होती है या छींक होती है, उन कंडीशनों में भी इसको यूज़ किया जाता है। या किसी किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस लेने किसी स्टोरी के वजह से, जैसे कि आपका कोई रिलेटिव मर गई हो या आपका कोई फादर मदर मर गई हो, उस कंडीशनों में जो अटैक आती है उस कंडीशनों में बहुत सांस लेने में दिक्कत होती है, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। मेनली इसको यूज़ किया जाता है अस्थमा में। अस्थमा में बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, या फीवर के वजह से सीने में बहुत ज़्यादा कफ जम जाती है, उसके वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर छोटे बच्चे में इस प्रॉब्लम देखने को मिलता है, सीने में कफ जम जाने की वजह से बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, या अस्थमा के प्रॉब्लम में या एलर्जी रिएक्शनों में बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, उस कंडीशनों में इस रेस्पुल को यूज़ किया जाता है। और ये एक मैकलॉयड कंपनी ने मैन्युफैक्चर करती है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही ब्रांडेड मेडिसिन बनाती है, तो इस रेस्पुल बहुत ही असरदार काम करती है। 2 या 5 मिनट के अंदर ही असर दिखाने शुरू करती है, बहुत बढ़िया रेस्पुल से। अभी तो इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि सर्दियों का मौसम है, इसलिए बच्चों को सीने से बहुत ज़्यादा कम जब जाती है, उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है या खांसी होती है, या आपका सीने में जो कफ जम जाती है वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होती है, तो डॉक्टर इस रेस्पुल्स को यूज़ करते हैं और धीरे धीरे जो सीने में बलगम जमा होती है वो बाहर निकलने में हेल्प करती है। बहुत बढ़िया इफेक्ट है इस रेस्पुल्स को। आप जानते हैं इस रेस्पुल्स को यूज़ कैसे करें। इस रेस्पुल्स को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेना है, उसके बाद ही इस रेस्पुल्स को यूज़ करना है। 1 रेस्पुल्स में 2 ml वाटर रहती है, मतलब रेस्पुल्स के अंदर मेडिसिन होती है। उस मेडिसिन को लेबुलाइजर मशीन के अंदर डाल के भाप लेना पड़ता है, स्टीम लेना पड़ता है। तो कैसे काम करती है, तो
आपका जो मशीन है उसके अंदर डाल के स्टीम लेना पड़ता है नाकों से अंदर, जो सांस होती है उसके अंदर आपका फेफड़ों में डायरेक्ट चला जाती है, उसके बाद ही इस रेस पुल्स आता दिखाने शुरू करती है। बहुत ही बढ़िया रेस पुल्स है। इस रेस पुल्स को इसी तरह यूज किया जाते है, दिन में 2 या 3 बार यूज करना होती है इस रेस पुल्स को अच्छे रिजल्ट मिलने के लिए। आप जानते हैं इसका साइड इफेक्ट के बारे में, साइड इफेक्ट ज्यादातर कुछ दिखाई नहीं देती है। इस रेस पुल्स को यूज करने से कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। तो यही रहा बुनेस 0.5 रेस पुल्स का इन्फॉर्मेशन। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक करना और कमेंट करना, और इस रेस पुल्स के बारे में कोई भी डाउट और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकती हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग डिजिटल मेडलाइफ।